भूत और चुड़ैल का खजाना। रमेश और कमल काफी मस्तीखोर दोस्त थे। हमेशा बेफिक्री की जिंदगी और मस्खरापन उन पर हावी रहता था। इसी वजह से वो कभी कभी मुसीबत में भी पड़ जाते थे, पर सुधरते नहीं थे। ऐसे ही एक बार वो दोनों मस्ती करते हुए घर से थोड़ा दूर निकल जाते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते वो एक बार एक पुराने घर में घुस जाते हैं। थोड़ी यहाँ वहाँ देखते हैं, उनको कोई दिखता भी नहीं है। वो वहाँ का सामान छेड़ने लगते हैं, कुछ चीज़ें उठा भी लेते हैं। वहीं एक बहुत ही पुराना सा संदूक रखा होता है, उस पर लाल क्रॉस का निशान भी होता है और इतने जाले लगे होते हैं जिनको देखकर साफ पता चल रहा होता है कि ये सालों से किसी ने खोला नहीं है। कमल उस ताले को तोड़ने लगता है। अरे अरे कमल, मत करो, मुझे पहली बार कुछ अजीब लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, हमने इतनी बार इतने अजीब अजीब काम किए हैं, हुआ है कभी कुछ उल्टा सीधा हैं? नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ तो बस, कुछ नहीं होगा, ताला तोड़ने दो इसका। अच्छा भाई, अगर तुम्हें इसे खोलना ही है तो कम से कम यहाँ से चलो, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। वो घर होता ही अजीब है, एक तो बिल्कुल कोने में होता है और रंग भी काला सा होता है। पूरे घर में कहीं भी कोई भी भगवान की तस्वीर नहीं होती है और पूजा घर भी जला हुआ होता है। ये सब देखकर रमेश को बहुत डर लग रहा होता है, पर कमल मान ही नहीं रहा होता। वो उस बक्से को अपने साथ अपने घर ले आता है और उस दिन तो छुपा कर रख देता है। अगले दिन वो दोनों एक सुनसान जगह मिलते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं होता है। चल अब इसे खोलते हैं, मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई, कल से इतना मन कर रहा है इसे खोलने का। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। यार तू डरता बहुत है, बस अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, अब तो मैं इसे खोल कर ही रहूंगा। हाँ, जैसे ही उस पर एक पत्थर मारा जाता है उसमें से धुआं निकलने लगता है। दोनों डर जाते हैं और थोड़ा पीछे हो जाते हैं। वो दूर से ही बक्से को देख रहे होते हैं, तभी उसका ताला अचानक अपने आप खुल जाता है। चल चल, खुल गया ताला, देखते हैं अंदर क्या है। अरे रुक जा यार, पता नहीं क्या है, कभी बक्से से धुआं निकलता हुआ देखा है? हैं? तू बैठ यहीं, डरपोक आदमी, मैं तो जा रहा हूँ। वो बक्से के पास जाता है और उसे एक झटके में खोल देता है। दोनों डरते हैं कि कुछ होगा, पर कुछ नहीं होता, सब शांत रहता है। बक्से के अंदर का सामान देखकर दोनों दंग रह जाते हैं, उसमें पुराना, सालों पुराना सामान होता है। उनको लगता है इसे बेचकर खूब पैसे आएंगे। उसमें चिराग, घुंघरू, दिए, लैंप जैसा सामान होता है। कमल जैसे ही लैंप उठाने लगता है, बहुत तेज तेज आंधी चलने लगती है और मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है और बक्सा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद धूल छट जाती है। वो वापस से घुंघरू उठाने की कोशिश करता है। घुंघरू बहुत ही भारी होते हैं, जैसे कि किसी ने पहन रखे हो, उससे उठते ही नहीं है। फिर घुंघरू से आवाज आती है, जब तेरा दोस्त बोल रहा है कि मत छेड़ बक्से को, मत छेड़ बक्से को, तो तुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुनते ही तो दोनों के होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर एक एक घुंघरू उनके पैरों को जकड़ लेते हैं। वो दोनों अपनी जगह से हिल ही नहीं पाते, वहीं खड़े खड़े कांपते रहते हैं। घुंघरू में से फिर से आवाज आती है, जीना तो मुश्किल कर ही रखा था, अब मरने के बाद भी चैन मत लेने देना तुम लोग। आवाज सिसकने लगती है,
प्यार में हारी हुई एक सीधी साधी लड़की कब तन और मन दोनों से चुड़ैल बन गई, उसे पता ही नहीं चला। रमेश और कमल एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें लगने लगता है कि ये कोई दुखी आत्मा के घुंघरू हैं। उनका डर थोड़ा कम होता है। कमल डरते डरते बोलता है, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? हैं? इतना सुनते ही उनके पैर खुल जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो खतरे में नहीं है। फिर बक्से में से एक कागज आकर उनके पैरों से लिपट जाता है। वो देखते हैं कि वो खजाने का नक्शा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसका करे क्या। इतनी ही देर में बहुत तेज हवा चलती है और एक रास्ता बनते चला जाता है। रमेश और कमल उस रास्ते पर चलते जाते हैं और एक हवेली में पहुंच जाते हैं। वहां एक नर्तकी की तस्वीर लगी होती है। उसके पैर में वही घुंघरू होते हैं जो उन्हें बक्से में से मिले होते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि वो आत्मा नर्तकी की है। आसपास के लोगों से पता चलता है कि वो वहाँ की राजकुमारी होती है, जिसे एक साधारण इंसान से प्यार हो जाता है। राजकुमारी के पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं होते और दोनों को मरवा देते हैं। तभी से कहा जाता है उन दोनों की आत्मा उस हवेली में और उनके सामान में घूमती रहती है। वो बक्सा भी कुछ साल पहले चोरी हो गया था। किसी को पता चला था कि उसमें खजाना है, इसलिए वो उठा ले गया था। पर उसमें सिर्फ वो सामान था जो राजकुमारी की प्रेमी ने उसे दिया था। राजकुमारी का सबसे प्रिय तोहफा वो घुंघरू थे। उसकी आत्मा उन्हीं में बसी रहती थी और प्रेमी ने तो किसी को भी परेशान करना छोड़ दिया था। कमल उसे खुफिया कमरे की तरफ जाता है जहाँ चुड़ैल ने खजाने के बारे में बताया था। वहाँ उन दोनों को सच में गड़ा धन मिलता है। वादे के अनुसार ये बात वो गुप्त रखते हैं। उसके प्रेमी ने तो किसी को भी परेशान करना छोड़ दिया था। वो बस ये चाहता था कि दोनों को मुक्ति मिल जाए। वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। पर चुड़ैल अपने पिता से बदला लेना चाहती थी। उसने इसलिए कमल और रमेश को अपने खजाने का रास्ता बताया, जिससे अब वो उनसे अपना काम निकलवा सके। जब दोनों हवेली से वापस आते हैं, घुंघरू उनसे बोलते हैं कि अब मैं और मेरा प्रेमी तुम दोनों के अंदर आएंगे और अपने कातिलों से बदला लेंगे। अरे बहन, ऐसा ना कहो। अब इन सब में कुछ नहीं रखा। तुम्हारे पिता में वैसे भी अब कहां जान बची होगी जो ये सब झेले। हाँ बहन, बस कर दो। वो सोच रही होती है तभी अचानक से उस पर फूलों की वर्षा होने लगती है। वो समझ जाती है कि भूत उसका प्रेमी भी यही चाहता है। प्यार देखकर चुड़ैल का अशांत मन वापस शांत होने लगता है। वो पहले जैसे ही राजकुमारी की तरह सोचने लगती है। वो उन दोनों को अकेला छोड़ देती है और दोनों किसी को भी परेशान करना बंद कर देते हैं। कमल बक्से का सारा सामान एक म्यूजियम में दे देता है, पर घुंघरू अपने पास रख लेता है। खजाने के बारे में दोनों ही किसी को नहीं बताते और शादी ब्याह में कभी किसी को जरूरत होती तो उसी में से सबकी मदद कर देते।